नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। एक बार मैं फिर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर का लेके आ गया हूँ। तो मैं इनकी नोटिफिकेशन पे हूँ एम्प्लॉयमेंट न्यूज की। और ये देखिए, ये कुछ जॉब हाईलाइट्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। ONGC, SBI, UPSC एंड SPP। ठीक है, तो सबसे पहले ONGC है और ये पेज नंबर है 29 से। तो मैं पेज नंबर यहाँ 29 लिखता हूँ और आप भी ऐसे करेंगे जैसे आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड का ये पेज खुल के आ गया है। मैं ये सारा PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहां से ये सारी चीजें डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एक एक करके सारी वैकेंसी को टच करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लाइक करके स्किप कर दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, और टाइम है तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए ONGC के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन गेट 2022 एग्जाम्स नीड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द बिलो मेंशन फे पोस्ट एट आर 2:1। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो गेट से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, बहुत सारी पोस्ट के लिए यहाँ मेंशन किया हुआ है AEE। ठीक है, सीमेंटिंग मैकेनिकल AE, सीमेंटिंग पेट्रोलियम। ठीक है, और ये जैस जो पोस्ट है यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन भी मेंशन किया गया है। अगर AE सीमेंटिंग मैकेनिकल है तो ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। अब यहाँ पे गेट सब्जेक्ट्स में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 2 है, एंड टोटल जो वैकेंसी है वो 13 है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी चीजें चेक कर लेना। इधर कुछ दिया हुआ है, रिजर्वेशन ऑफ कैटेगरी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये PWD कैंडिडेट्स के लिए है, तो ये चेक कर सकते हैं। आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इस तरीके से ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया यहाँ पे देखिए AEE सिविल के लिए, इधर ड्रिलिंग मैकेनिकल, देन ड्रिलिंग पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी के एजुकेशन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और गेट में किस सब्जेक्ट से आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए वो भी मेंशन किया हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन, देन मैकेनिकल, प्रोडक्शन मैकेनिक, प्रोडक्शन केमिकल, प्रोडक्शन पेट्रोलियम। चूंकि ONGC एक महारत्न कंपनी है ना, नवरत्नों में से एक आती है, तो इसलिए बहुत सारी वैकेंसियां लेके आती है। ए रिजर्वियर, ठीक है, केमिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ये देख लीजिए, जियोफिजिस्टिक सरफेस, जियोफिजिस्टिक वेल्स, प्रोग्रामिंग ऑफिसर, बहुत सारी वैकेंसी है, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, तो इस तरीके से लेके बहुत सारी वैकेंसियां हैं। और यहाँ पे देखिए सारा कुछ टोटल किया हुआ है, 375, 225, 129, 60, 82, जो कैटेगरी वाइज है ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये है PWD कैंडिडेट्स के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये PDF मैं आपको जैसे कि मैंने बताया शेयर कर दूंगा, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ जो एज रिलैक्सेशन है वो देख लीजिए, एज लिमिट देख लीजिए, OBC के लिए 33, अनरिजर्व के लिए EWS के लिए 30, SC ST के लिए 35, PWD कैंडिडेट्स के लिए 40, ये एज लिमिट है। और एक बार और चेक करते हैं, और ये रिलैक्सेशन, सॉरी, हाँ ये एज लिमिट है यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, फर्दर रिलैक्स्ड बाई 3 ईयर OBC एंड 5 ईयर ऑफ SC ST। तो आइए एज लिमिट भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, अनरिजर्व EWS के लिए 30, OBC के लिए 33, SC ST के लिए 35, PWD के लिए 40, और फर्दर रिलैक्स बाई 3 ईयर्स फॉर OBC एंड 5 ईयर ऑफ SC ST। ठीक है, तो ये क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है, चेक कर सकते हैं। देन जो एग्जाम्स होंगे उसके वेटेज देखिए दिया हुआ है, गेट 2022 का आपने एग्जाम दिया है तो 60 होंगे उसके वेटेज, क्वालिफिकेशन 25 मार्क्स,
20 मार्क्स फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, 5 मार्क्स फॉर ब्लाइंड पीएचडी, ठीक है, क्वालिफिकेशन 15, इंटरव्यू जो है 100, टोटल 100, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं आप इस तरीके से, मतलब गेट क्वालिफाइड हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। जो लास्ट डेट होने वाली है रिमेन ओपन 22/9/2000 से 12/10/2022 तक आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल साइट इसकी ये है, यहाँ जाके चेक कर सकते हैं और ये प्रोसेस दिया हुआ है किस तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब आइए देखते हैं दूसरी वैकेंसी कौन सी है। SBI 54 पेज पे है, तो आइए हम यहाँ से डायरेक्ट 54 पेज पे चलते हैं। SBI में देख लिए रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर, ठीक है। अब उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है और ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 22 से लेके 12/10/2022 तक आप इसको भर सकते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये पूरा मेंशन किया हुआ है और करंट वैकेंसी और ये बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी वो वैकेंसी होती है जो वैकेंसी आती है लेकिन उसमें फुलफिल नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट टाइम उसको फुलफिल किया जाता है, तो उस वैकेंसी के लिए। और ये टोटल वैकेंसी है, देखिए 270 SC के लिए, ST के लिए 130 और OBC के लिए 464, अच्छे मतलब इसमें दिया गया क्वांटिटी। EWS में 160, जनरल में 648, टोटल जो है 1673 वैकेंसी होती है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं और इसको भर सकते हैं। और एलिजिबल क्वालिफिकेशन 31/12/2022 तक आपकी काउंट की जाएगी। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री IDD सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द पासिंग द IDD इज ऑन बिफोर, ठीक है। तो आपको 31/12 तक जो है आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की पूरी हो जानी चाहिए। एज लिमिट जो दी गई है इसमें 30 ईयर्स जो है एज लिमिट, अपर एज लिमिट है, जिसमें अगर छूट की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 15, PWD OBC या SC ST का ये OBC के लिए 13 और जनरल EWS के लिए PWD के लिए 10 ईयर्स, ठीक है। पे चेक कर सकते हैं। सैलरी आपको जो मिलेगी 41,960 मिलेगी शुरुआत में और बाकी चीजें बढ़ती रहेंगी, जिसमें आपको फिर DA, HRA, लीज रेंटल्स, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट बैंक के साथ। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके ये सारे चेक कर सकते हैं। वैसे मैं ऑफिशियल वेबसाइट सभी के आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी किस चीज के लिए है। UPSC पेज नंबर 5, तो पेज नंबर 5 मेरे ख्याल से नीचे ही आ जाएगा, मैं यहां से ऐसे आ जाता हूं। ये है पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 5 पे मेंशन है शाहजहां रोड के लिए निकली, न्यू दिल्ली के लिए, किस चीज के लिए देख लेते हैं। सीनियर डिजाइन ऑफिसर ग्रेड 1 इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो ये उनके लिए वैकेंसी है। और दूसरी वैकेंसी है वो साइंटिस्ट 2 डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। तीसरी वैकेंसी है फॉरेंसिक नार्कोटिक्स के लिए है। और अगली वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है। और पांचवी वैकेंसी है असिस्टेंट आर्किटेक्ट सेंट्रल पब्लिक वर्क्स, छठवीं है असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा और सातवीं है ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी, यहाँ कुछ कैंसिलेशन नोटिस भी दिया हुआ है, कुछ वैकेंसियाँ कैंसिल हुई हैं, वो ये उसकी नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दी गई है जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं तो, है ना। तो आइए आप देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी किस चीज के लिए है। देन SPP के लिए, अब SPP का जो पेज नंबर है यहाँ मेंशन है 47, तो मैं डायरेक्ट 47 पेज नंबर पे चलता हूँ और आपको वैकेंसी ये रहा। तो ये हैदराबाद से निकली हुई है और वैकेंसी देख लीजिए बहुत अच्छी वैकेंसी है और विभिन्न पोस्टों के लिए है। टेक्निकल जूनियर टेक्निकल टेक्नीशियन
प्रिंटिंग कंट्रोल, टेक्नीशियन फीटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फायरमैन, आरएम। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी हैं और अच्छी वैकेंसी है, देख लीजिए। प्रिंटिंग एंड कंट्रोल के लिए 68 है, बाकी के लिए 6, देन 1, 1, देन इलेक्ट्रिकल के लिए 3 और 3 एंड 1, इस तरीके से है। और सैलरी जो आपकी है मेंशन की गई है आप, ठीक है। और रिजर्वेशन स्टेटस, ये सारी चीज जैसे कि अनरिजर्व के लिए कितनी है, EWS, SC, ST एंड OBC के लिए कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। टोटल 83 वैकेंसी है। लास्ट डेट जो होगी, टेंटेटिव डेट ऑफ सॉरी पेमेंट फी इज ऑनलाइन मोड, ठीक है, 31/10/2022 है लास्ट डेट। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन नवंबर एंड दिसंबर में आपके एग्जाम्स होंगे। ऑफिशियली आप ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको सिर्फ क्या किया, अभी जॉब हाइलाइट्स बताया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे ही वैकेंसी को टच करेंगे। हो सकता है कुछ वैकेंसी आपके लिए नहीं हो, बट हो सकता है कुछ वैकेंसी और लोगों के लिए यूजफुल हो। तो पेशेंस पेशेंस के साथ आप देख सकते हैं, अगर आप टाइम नहीं है तो आप बाद में इसको देख लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, पहली वैकेंसी निकल के आ रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है, IIT दिल्ली के लिए है। किस चीज के लिए, अच्छा ये एडमिशन के लिए, एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स। तो जैसा कि मैं पहले भी बताते आया हूँ कि इम्प्लॉयमेंट न्यूज सिर्फ जॉब के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये जो है आपके एजुकेशन के लिए भी बहुत मस्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट अपने एडवर्टीजमेंट देते हैं कोर्सेज के लिए, तो आप यहाँ से ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस जो भी आते हैं उसमें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, PhD डिपार्टमेंट के लिए है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, 31/10/2022 की, ठीक है। ओ देख सकते हैं आप इसको, UPSC के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। एक ये देखिए, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से है। और इसमें देखिए क्या इन्होंने जो ये सारे डिसिप्लिन होंगे, ठीक है, ये सारे स्पेशलाइजेशन है, कंप्यूटर साइंस, मतलब ओवरऑल सारे ही हैं, IT से रिलेटेड सब कुछ ही है। तो इसमें जरूरत कैसे, देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट फ्रेशर होने चाहिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर 0-4 ईयर एक्सपीरियंस, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर जिसमें 3-7 ईयर एक्सपीरियंस होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर नॉलेज पार्टनर 9-15 ईयर एक्सपीरियंस होगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन की गई है, आपको BA या BTech होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर ME, ME Tech, ME Tech और इक्विवेलेंट डिग्री और PhD, ये सारे क्वालिफिकेशन है, देख सकते हैं। लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2022, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारा कुछ तो UPSC का ही था। साउदर्न रेलवे 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 रिक्रूटमेंट सेल, ठीक, ये इसमें ये जो कोटा, ये स्काउट्स एंड गाइड कोटा के लिए है, ठीक है। अगर आप स्काउट्स गाइड कोटा से हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और ये देखिए लिखा हुआ है, क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन 8/11/2022, बट वहीं पे इस एरिया के लिए, ये सारे जो एरिया हैं इन सब के लिए जो है जो टाइम दिया गया है वो 23/11/2022 दिया गया है। तो ये अब इस एरिया से हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है स्काउट एंड गाइड्स कोटा से हैं तो आप इसको भर सकते हैं, ना। ये सारा परफॉर्मा दिया हुआ है, सारा कुछ किस तरीके से आपको भरना है आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है भारत प्रतिभूति मुद्रालय, ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये रही, और ये इनका ईमेल एड्रेस है, चेक कर सकते हैं। और विकी वैकेंसी कितनी अच्छी निकली हुई है, जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल कंट्रोल टेक सपोर्ट डिजाइन मशीन शॉप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर CST, इन सभी विभागों के लिए है और सब कुछ मेंशन किया गया यहाँ पे। पोस्ट देखिए 30 है, 38 है, मतलब काफी अच्छी पोस्ट है ना। और यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है और यहाँ पे एजुकेशन है, जैसे कि टेक्नीशियन जूनियर टेक्नीशियन है तो फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम NCVT SCVT इन प्रिंटिंग ट्रेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंशन की गई, जिस भी कैटेगरी में आप भर रहे हैं तो उसके क्वालिफिकेशन यहाँ से देख लीजिए, एज लिमिट देख लीजिए, एंड देन सैलरी यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। और आपको और कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट 25 यहाँ पे दी गई है। और कोई जानकारी चाहिए तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से मेंशन है, आप जा सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है 8/11/2022 है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, ये जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज,
ये निकला हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी पोस्ट है, लाइब्रेरियन की है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, है ना, कंप्यूटर लाइब्रेटरी अटेंडेंट, तो ये सारी पोस्टें हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, एक एक या दो दो या चार चार ऐसे करके हैं। और यहाँ पे जो फीस दी गई है, एप्लीकेशन फीस 1,000 अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस अप्लीकेंट एंड नो एप्लीकेशन फीस फॉर पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वेमेन अप्लीकेंट, ठीक है, ये उनके लिए फ्री है। तो इस तरीके से मेंशन है, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी। और ये है 21 डेज, 1 तारीख से आप इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज से आप इसको भर रहे हैं, 8 तारीख से आप इसको काउंट कर सकते हैं ना। देन एक, हाँ ये वैकेंसी कंप्लीट हो गई। ये एक देखिए वैकेंसी है, पटना से निकली हुई, टेक्नोलॉजी पटना, NIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से है, और रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट NIIT पटना। तो इनको टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, इनको क्या चाहिए, डायरेक्ट डिप्टी सेक्रेटरीट एंड अंडर सेक्रेटरीट डिप्टी डायरेक्टर ऑन डिप्टेशन बेसिस पे चाहिए। कितने पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं। सैलरी कैसे आएगी, लेवल 13 लेवल 12 इन पे मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आप डायरेक्टर की पोस्ट के लिए सोच रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, सारा परफॉर्मा दिया हुआ है, एक एक चीज को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन अब LIC का है, इसके पहले वही जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आया था, मुझे लगता है मैंने उसमें भी ये डिस्कस किया था, और ये फिर आया है, देख लीजिए, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए है ये, ठीक है। सैलरी बैंड जो है यहाँ पे मेंशन की गई, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप LIC में इंटरेस्टेड हैं और आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, है ना। ये ऑलरेडी एक बार हमने डिस्कस कर लिया था पिछले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। अब देखिए एक और वैकेंसी है, नॉर्दर्न फॉरंटियर रेलवे, इनको भी चाहिए क्या, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा फॉर द ईयर 2022-23। स्पोर्ट्स कोटा के लिए अब किस क्या क्या चाहिए, एथलेटिक्स, आर्चरी, टेनिस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, क्रिकेट, इन सभी के लिए चाहिए, मैन वेमेन, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पे लेवल सैलरी भी मेंशन की गई है, और किस तरीके से आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है, ये देखिए ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, कैसे आपके एग्जाम्स होंगे और किस तरीके से आपके सारे प्रोसेस होने वाले हैं, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे नेक्स्ट देखते हैं, ये परफॉर्मा पूरा पढ़ सकते हैं आप। अब ये नेक्स्ट वैकेंसी है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस। अब ये वेपन स्पेयर्स कहाँ से, मुंबई से निकली हुई है, लोअर डिवीजन क्लर्क चाहिए। सैलरी देखिए यहाँ पे मेंशन की गई है, 19,900 शुरुआत हो रही है। अनरिजर्व के लिए 2, मतलब टोटल वैकेंसी 6 है, अनरिजर्व 2, SC 1, OBC 2 और EWS के लिए 1, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क हैं तो, या उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। लास्ट डेट जो मेंशन की गई है 28 डेज, यानी 8 अक्टूबर से आप 28 डेज काउंट कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, और भी जानकारी आपको उस पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ पावर ग्रिड से वैकेंसी है। अब पावर ग्रिड में क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फाइनेंस के लिए चाहिए, ठीक है, अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ फॉर ST कैटेगरी। ST के लिए 2 वैकेंसी है, और 33 ईयर्स एज ऑन 15/10/2022 को 33 ईयर्स आपके हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और देख लीजिए सैलरी कितनी अच्छी मेंशन की गई है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 60,000 से लेकर 1,80,000 ड्यूरिंग द 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। तो सैलरी बहुत अच्छी है, आप चेक कर सकते हैं, और जिसकी लास्ट डेट यहाँ मेंशन की है 24/9/2022 से लेकर 15/10/2022 तक आप इसको भरना है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं इसको जरूर भरिए, क्योंकि पावर ग्रिड एक अच्छी कंपनी है और सारी सुविधाएं अपने एम्प्लॉय को देती है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, अपर डिवीजन क्लर्क चाहिए। वैकेंसी देख लीजिए, अच्छी वैकेंसी 8 है, और ड्यूटेशन बेसिस पे है। सैलरी यहाँ मेंशन की गई है, 25,500 से आपकी शुरुआत होगी। और जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, लास्ट डेट कुछ मेंशन नहीं की गई है, तो यहाँ पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
सीएसआईआर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान पिलानी से निकली हुई है। ये देख लीजिए वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे सारी पोस्ट मेंशन की गई है, 12 है कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर की जो सैलरी होगी 38,877 होगी, अपर एज लिमिट 27, और जूनियर सेक्रेटरीट की सैलरी होगी 19,900 से चालू होगी, और टोटल यूमेंट्स यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है यानी 29,672 मिलेगी, और अपर एज लिमिट इनकी भी 28 होगी। चेक कर सकते हैं 25/10/2022 लास्ट डेट होगी इसकी, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन है और जानकारी ले सकते हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे 1 वैकेंसी अकाउंट क्लर्क जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल, सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, और 2 मंथ्स यानी 8 अक्टूबर से आप 2 मंथ तक आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। देन एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, यहाँ से निकली हुई है कोलकाता से वैकेंसी। अब देख लीजिए किस लिए वैकेंसी है, ये पोस्ट ऑफ अटेंडेंट चाहिए इनको, ठीक है, 1 नंबर 1 चाहिए इनको, और पोस्ट के लिए सैलरी भी मेंशन किया 18,000 से लेकर 56,900, और क्वालिफिकेशन मैट्रिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी आपका 10th होना चाहिए, और 25 इसकी अपर एज लिमिट आपकी होगी। और ये देखिए कितने अच्छा ये वैकेंसी है ना, 25 ईयर से आप नीचे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, और ये लिखा भी है एज रिलैक्सेशन जो है अप टू 5 ईयर ऑफ एससी कैंडिडेट्स, ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप, मैट्रिक ये चाहिए और 25 आपकी एज लिमिट चाहिए, तो इसको आप फॉर्म को देख सकते हैं। देन इन ITR के लिए है, DRDO के अधीन ये काम करती है, कहाँ ये चंदीपुर बालोसर में है, तो बालेसर में है, आइए चेक कर लेते हैं क्या चाहिए इनको, जूनियर रिसर्च फेलो JRF के लिए है, और क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन की गई है BE/BTECH इन द फर्स्ट डिवीजन विद वैलिड गेट स्कोर, यानी गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए वैलिड, ठीक है, जो आपने एग्जाम्स दिए हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसी ये मेंशन की गई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और डिपार्टमेंट है उनके लिए 1 एल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और यहाँ पे देखिए मेंशन ETC ECE ENI ये सारा डिपार्टमेंट है, तो ये 1 चाहिए, तो इसको चेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है ये, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके और जानकारी आप ले सकते हैं, है ना, यहाँ मेंशन की गई है सारी चीज़ें। लास्ट डेट जो मेंशन की गई है 17 अक्टूबर 2022, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, और अपर एज लिमिट 28 है जिसमें मेंशन किया गया 5 ईयर फॉर SST एंड 3 ईयर्स ऑफ OBC के लिए छूट है ना, और सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है 31,000 पर मंथ, तो इस तरीके से इसको चेक कर लीजिएगा। आइए एक ये देख लेते हैं, विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन यानी न्यू दिल्ली से ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर कंस्ट्रम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशंस न्यू दिल्ली, तो ये इसको चेक कर लीजिएगा, ये डायरेक्टर पोस्ट के लिए, अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। देखिए लास्ट डेट 15/10/2022 है और ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, ठीक है, तो हर तरह की वैकेंसियां निकलती रहती है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ट्रेनिंग लेवल की या 1 to 2 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए यूथ के लिए वैकेंसियाँ लेके आऊँ। ये देखिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, क्या चाहिए इनको, टेक्निक ट्रैक्टर मैकेनिक कम ड्राइवर, एक पोस्ट है, 25 ईयर अपर एज लिमिट, सैलरी 25,500 से आपकी इसमें शुरुआत होगी, और ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे सारी दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, इसको चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे जाके और जानकारी आप ले सकते हैं कि कैसे बने। तो अगर आप ITI ट्रैक्टर से भी ट्रैक्टर फील्ड से भी करेंगे आप ट्रैक्टर मैकेनिक से, तो भी देखिए कितनी अच्छी वैकेंसियाँ आती रहती हैं। देखिए एक ये वैकेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर NIFTM थानजबर, यह जो लोकेशन है ये है, और देख लीजिए इसमें क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, फॉल डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जनरल कंडीशन पे स्केल्स एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लीज विजिट इट ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई है, और 45 डेज जो है लास्ट डेट है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज DSSC लोअर डिवीजन क्लर्क चाहिए, ऑर्डिनरी ग्रेड सिविलियन मोटर ड्राइव चाहिए, और मल्टीटास्किंग स्टाफ चाहिए, सबकी यहाँ पे जो है एज पर लिमिट मेंशन की गई है, ये देखिए
25 है मल्टीटास्क की, बाकी के 27 अपर एज लिमिट है। अब यहाँ पे 4 वैकेंसी है, यहाँ पे 3 वैकेंसी है, मल्टीटास्क के लिए 5 है, टोटल 15 वैकेंसी हैं। और 28 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए है तो जरूर भरिए, क्योंकि इसमें देखिए मल्टीटास्किंग है, आपको कुछ भी नहीं आता है तो उसके लिए ये मल्टीटास्किंग है, जहाँ पे वो सारी चीजें आपको बताएंगे सिखाएंगे, उसके अनुसार आप इसको भर सकते हैं। देखिए डायरेक्टरेट मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन फरीदाबाद से निकली है, 3 वैकेंसी है चीफ केमिस्ट के लिए, तो थोड़ा सा सीनियर लेवल की है, गेजेट ऑफिसर के लिए है, तो वो चेक कर सकते हैं आप। ये रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, और 60 डेज होगी लास्ट डेट होगी, और ये रहा पूरा एड्रेस है फरीदाबाद का, जहाँ पे ये आपको फॉर्म भर के भरना है, तो ये चेक कर लीजिएगा इसको, है ना। देन नेक्स्ट देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। अब ये जो वैकेंसी है वो लॉ कैंडिडेट्स के लिए जो LLB या LLM किए हुए हैं। देखिए लिखा है द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेट हिंदी ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ये सारी दी गई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है 56,100 से शुरुआत होगी, ये एक एग्जिस्ट ऑफिसर के लिए द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ट्रांजिशन हिंदी ब्रांच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्या है, होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कार्डे ऑफ डिपार्टमेंट विद 2 ईयर सर्विस इन द ग्रेट रिनोड आफ्टर अपॉइंटमेंट थ्रेट ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, कि अगर आप मतलब इस फील्ड में भरना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, देखिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये हैं तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी वैकेंसी है। अगर आप LLB नहीं है, LLM नहीं है, मास्टर डिग्री नहीं किए हैं तो ये देख लीजिए, बैचलर डिग्री अगर आप ये नहीं है तो आप अगर बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं तो ये सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं, तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं आप, है ना। मैं इसकी लिंक दे दूंगा आपको साइट की, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी से निकली हुई है, यहाँ पे क्या है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट चाहिए, नॉट मोर देन 55 ईयर्स एज दी गई है, और जो फॉर्म की जो फीस मेंशन की गई है वो 500 जो है वो अनरिजर्व के लिए है एंड OBC एप्लीकेंट अनरिजर्व एंड OBC के लिए, और जो बाकी हैं उनके 250 रुपीज़ जो है फीस चार्ज किए गए। और ये देखिए इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, और जो लास्ट डेट मेंशन की गई है वो 25/10/2022 है। ये देखिए एक ये वैकेंसी है न्यू दिल्ली से जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से, अब यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, सैलरी जो मिलेगी आपको 57,700 मिलेगी 7th CPC के अनुसार, और आपकी इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 7/10/2022 होगी। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है, चेक कर लीजिएगा। और देखिए सब्जेक्ट्स जो दे रखे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए इनको वैकेंसी है। आइए मैं बता देता हूँ आपको, कॉमर्स इकोनॉमिक्स इंग्लिश इन्वायरमेंटल स्टडी हिंदी हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर इन होम साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट मैथमेटिक्स साइकोलॉजी सॉरी फिलोसफी असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस संस्कृत और सोशियोलॉजी, इन सभी पोस्टों के लिए ये सारी वैकेंसियां हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक वैकेंसी है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ये कहाँ से है, हॉजकॉज से है। अब वैकेंसी किन किन पोस्टों के लिए, असिस्टेंट स्ट्रेटजी रिस्क एंड रिसर्च 8, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड लीगल इन्फोर्समेंट एंड लीगल, तो ये 1 वैकेंसी है, और लास्ट डेट जो है वो 45 डेज है वैकेंसी निकलने से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक है CMP डिग्री कॉलेज प्रयागराज से, इनको क्या चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, ठीक है। 31/10 इन्होंने लास्ट डेट दे रखी हुई है, और ये रहा इनके ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। देन ये देखिए एक ये वैकेंसी है CBI से, बट ये एक्चुअली क्या है, देखिए ये मेंशन भी कर देते हैं नॉट फॉर प्राइवेट पर्सन, ये प्राइवेट पर्सन के लिए नहीं है, जो गवर्नमेंट के अधिकारी पहले से हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। एक ये देखिए वैकेंसी है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, ये कहाँ से है चेक कर लेते हैं, गांधीनगर से यानी गुजरात से है ये, और इसमें क्या चाहिए, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी
तो सैलरी भी इनसे मेंशन की गई है, टोटल पोस्ट जो है 10 दी गई है और सैलरी दी गई है 10,500, ठीक है। और दूसरे माह से प्रति माह मतलब एक साल ये पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, पर मंथ फॉर सेकेंड ईयर 12,500 आपकी होगी, है ना। इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। लास्ट ऑनलाइन आवेदन यानी अंतिम जो तिथि होगी वो 4/9/2022, 4 नवंबर 2022, ये देखिए यहाँ पे मेंशन की गई है। तो 4 नवंबर तक आप इसको भर सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। देन केपी ट्रेनिंग कॉलेज, ये भी प्रयागराज से है, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए इन बीए डिपार्टमेंट, और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 31/10/2022, ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं। एक ये देखिए वैकेंसी है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। अब यहाँ पे कई तरह की पोस्ट दी गई है, असिस्टेंट रिसर्चर चाहिए ऑफिसर योगा के लिए, अकाउंटेंट चाहिए, टू पोस्ट है योगा अकाउंटेंट एंड टू पोस्ट ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई है। अब इनकी जो लास्ट डेट दी गई है वो 45 डेज दी गई है, जहाँ और सॉरी अब न्यूज एंड 60 डेज फॉर कैंडिडेट्स, अच्छा 45 डेज जो है ये जो कैंडिडेट्स जो इधर से बिलोंग करते हैं यूपी एमपी और इन सब एरिया से, और ये जो वैकेंसी है जो यूनियन टेरेटरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए 60 डेज, ठीक है। तो 45 एंड 60 डेज ये दी गई है लास्ट डेट। तो इस तरीके से आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, सारी वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा जाके। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर शास्त्री भवन न्यू दिल्ली से है, और क्या चाहिए इनको, डायरेक्टर जनरल RLC, ठीक है। तो ये इनको डायरेक्टर जनरल चाहिए, थोड़ी सीनियर लेवल की पोजीशन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। देन एक ये कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर MP से निकली हुई है, अब इनको क्या चाहिए चेक कर लीजिए, प्रोग्रामर असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, ठीक है। अब ये क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और एनी अदर ब्रांच ऑफ साइंस सोशल साइंस रिलेवेंट, है ना। तो ये सारी क्वालिफिकेशन दी गई है, डिजायरेबल होगा अगर 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड एंड कंप्यूटर नॉलेज। अब किसकी जो फीस होगी ये देखिए मेंशन की गई है, 300 जो होगी फीस, SC ST सॉरी जो फीस होगी ये अनरिजर्व के लिए तो 600 इन्होंने बता दिया, और जो अदर के लिए जो होगी वो होगी 300 रुपीज, ठीक है, जिसमें SC ST OBC आएंगे, अनरिजर्व के लिए 600, बाकी के लिए 300, एंड 30 डेज जो होगी वो लास्ट डेट होगी। तो इस तरीके से आप सारी वैकेंसियां जो है आप चेक कर सकते हैं खुद से भी, है ना। और ये देख लीजिए, ये पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी निकली है, और ये थोड़े सीनियर लेवल के लिए है, साइंटिस्ट साइंटिस्ट फॉर किसके लिए, जियोस्पेशियल डाटा साइंस, जियो डाटा एनालिटिक रिसर्च एंड मॉडलिंग, मल्टीटास्किंग एग्जीक्यूटिव एंड प्रोग्रामर एंड डेवलपर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फीस थोड़ी सी जो है ये ज़्यादा है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2000 साइंटिस्ट के लिए, ये यहाँ भी 2000, मल्टीटास्किंग के लिए 1500, प्रोग्रामर 1500 एंड वेब एप्लीकेशन के लिए 1500। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2022 है। एक ये वैकेंसी चेक कर लेते हैं, ये कहाँ से है, सदर जंग म्यूजियम हैदराबाद से है। इसमें क्या चाहिए, असिस्टेंट कर्टर चाहिए इनको, और क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है B, और एक वन पोस्ट चाहिए इनको, और जो सैलरी है 35,400 रुपये सैलरी होगी। मेथड रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इनकी, ठीक है, नॉट एक्सेडिंग 35 ईयर। अब देखिए इसमें जो है पीरियड ऑफ प्रोविजन होगा 2 साल का, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है, मास्टर डिग्री इन प्रेसिडेंस प्रेजियन अरेबिक उर्दू फ्रॉम रिकोनाइन यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से सारा डेटा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, और जो लास्ट डेट होगी 31 अक्टूबर होगी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी जानकारी दी। एक और एप्लीकेशन है, मैं इसको देख लेता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब इनको क्या चाहिए, रिसर्च ऑफिसर चाहिए, ठीक है, एक ही चाहिए इनको, क्वालिफिकेशन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है वो सारा दिया गया है, शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, चेक कर सकते हैं आप,
और यहाँ पे जो दिया हुआ है 60 days ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ सर्कुलर, मतलब 60 दिन के अंदर आपको इसको भरना होगा। तो इस तरीके से मैंने 22 पेज तक आपको जो है ये सारी डिस्कस की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, और नेक्स्ट वीडियो हम जब बनाएंगे तो 22 पेज से लेकर 56 पेज तक हम डिस्कस करेंगे। मैं ये PDF सेंड कर दूंगा और आप वहाँ से टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके एक एक वैकेंसी को आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और किस तरह का कोई डाउट्स हो तो आप, क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं ना। तो मैं वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।